अडानी समूह ने हिमाचल प्रदेश के बरमाना और दारलाघाट में अपने दो सीमेंट प्लांट के परिवहन की अधिक लागत का हवाला देते हुए बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने भले ही प्लांट्स के संचालन को बंद करने के लिए उच्च परिवहन लागत का हवाला दिया, लेकिन इस मुद्दे को पहाड़ी राज्य के भीतर कांग्रेस की सत्ता में वापसी से जोड़ा जा रहा है, जिसने सीमेंट की बोरियों की दर में कमी की मांग की। साथ ही सीमेंट प्लांट के प्रबंधन ने कर्मचारियों को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर नहीं आने को कहा है। आपको बता दें, हिमाचल के लोगों के लिए सीमेंट की अधिक कीमतें एक गंभीर समस्या है। वे इस बात से दुखी हैं कि पहाड़ी राज्य में उत्पादन होने के बावजूद बाहर के लोगों को ये सस्ता मिलता है, जबकि उन्हें इसके लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पड़ोसी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की ऊंची कीमत के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। वो चाहते हैं कि कीमतों में कमी की जाए ताकि आम जनता को राहत मिले। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों सरकारों ने सीमेंट बैग की कीमतों में कमी लाने की कोशिश की, लेकिन उतनी राहत नहीं मिली। इन सब के बीच बिना सूचना प्लांट बंद करने पर सरकार ने कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया है।